हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक अर्निंग ऐप। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गाइस ITBP सब इंस्पेक्टर SI के बारे में। उसकी रिक्वायरमेंट आई है, उसके बारे में आज सारी डिटेल बताने वाले हैं। जो कि इसका पोस्ट डेट है वो 16 जुलाई को यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, 1:23 PM में, ठीक है। तो इसके बारे में सारी डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो 16/7/2022 से स्टार्ट होगी, और इसका जो लास्ट अप्लाई डेट है वो आपका 14/8/2022 तक है, इसका लास्ट अप्लाई डेट, ठीक है। और इसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो उतना ही डेट को आप कर सकते हैं, 14/8/2022 को ही इसका पेमेंट का लास्ट डेट होगा, चलिए। और इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है जो आपको जल्दी दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। अच्छी है, नेक्स्ट आपको बता देते हैं यहाँ पे कितने फ़ी लगते हैं, कौन से कास्ट का, जनरल, OBC, EBC, जितना भी कास्ट है, ST, ST। तो बता दें आपको जनरल और OBC का आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ लग रही है, और SC ST का आपको 0 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट बता दें, यहाँ पे ऑल कैटेगरी फीमेल का आपको यहाँ पे 0 रुपये लग रहा है, मतलब फीमेल को कोई भी कास्ट हो लेकिन फीमेल को यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है मौका है, और ST ST वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसका मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसका जो लास्ट डेट है वो हमने बता दिया कि 14/8/2022 तक है। तो आप इस फॉर्म को फिलहाल भर सकते हो, ठीक है। ये 16 तारीख से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है इंस्पेक्टर वाले के लिए, मेल के लिए 32 है और फीमेल के लिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फीमेल और 32 मेल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है। तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो भर सकते हैं। तो बता देते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्लास टेंथ मतलब यानी किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे पास हो, और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग मतलब कर चुके हो, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बता देते हैं, यहाँ पे टोटल मतलब जनरल के लिए कितने पोस्ट है, OBC के लिए कितने पोस्ट है, और EWS के लिए कितने पोस्ट है, SC ST के लिए कितने पोस्ट है, टोटल पोस्ट बता देते हैं सब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल में 7 है, OBC में 15 है, और EWS में 3 है, और SC में यहाँ पे आपका 5 है, और ST में 2 है, और टोटल पोस्ट 32 है, ठीक है। और फीमेल में भी देख सकते हैं, फीमेल का जनरल में 1 है, और OBC में 3 है, और EWS में 0 है, और SC ST में आपका ST में 0 है, और ST में आपका 1 है, ठीक है। लेकिन फीमेल का बहुत कम है, तो फीमेल बहुत कम ही होती है, चलिए कोई नहीं। तो आप यहाँ पे नीचे में आकर, यहाँ से आप sarkarirezult.com पे आके यहाँ से डायरेक्ट आप लॉगिन करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं खुद ही घर बैठे ही, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको यहाँ पर फुल्ली प्रोसेस करके वीडियो बताएँगे, ठीक है। और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।